Yes, student. Good morning, everybody. Welcome to online classes SBPS. Topic we discuss about coordination in plant. So discussion the previous video for the coordination in animal. So animal में जो यानी तंत्र का समन्वय है या जो coordination है, एक basically अगर हम देखें जो animal के अंदर तो जो coordination है उस coordination के लिए यानी एक तो मनुष्य में क्या है यानी brain है. अब ब्रेन के साथ में एक नर्वस सिस्टम है और सेकंड जो है वो मसल्स हैं. तो मसल्स के द्वारा भी कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग सो द नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है एंड द ब्रेन. सो इट द ब्रेन फॉर द मोस्ट पावरफुल द पावरफुल ऑफ द काउंट इन द ह्यूमन. मनुष्य के अंदर बहुत मस्तिष्क जो है बहुत विकसित मस्तिष्क है जिसका वेट करीब 1400 सीसी होता है. तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट सो वी डिस्कशन टू एनिमल कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम को आपने पढ़ा है ठीक. उसके बाद में आपने ह्यूमन ब्रेन का डिस्कशन किया है. उसके बाद में तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ठीक. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ठीक. तो डिफरेंट टाइप का जो नर्वस सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है उसकी के साथ में जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. सो एनिमल हैव ए नर्वस सिस्टम. मनुष्य जो है वो एक नर्वस सिस्टम को रखता है और द कंट्रोलिंग एंड द कोऑर्डिनेशन. जो मनुष्य है वो उनके लिए क्या कंट्रोलिंग करता है एंड कोऑर्डिनेशन और समन्वय करता है. द एक्टिविटीज जो क्रियाएं हैं ऑफ द बॉडी जो शरीर की एक्टिविटीज है वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एंड उसका समन्वय करता है. बट प्लांट हैव नाइदर. अगर हम बेसिकली प्लांट को देखें तो बट नॉट यानी जो प्लांट बट प्लांट्स हैव नाइदर. मगर ऐसा कोऑर्डिनेशन ना तो प्लांट के पास में कोई नर्वस सिस्टम है ना ब्रेन है ठीक. तो सारी प्रकार की एक्टिविटीज फिर भी ये क्या है कोऑर्डिनेशन इसके अंदर होता है. तो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस के लिए यानी जो प्लांट को देखें प्लांट हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम यानी उसी भी प्रकार का प्लांट के पास में नर्वस सिस्टम नहीं है एंड नॉर मसल्स एंड मसल्स भी नहीं है. सो हैव डू द रेस्पॉन्ड फॉर द स्टिमुलस यानी ये कैसा हाउ टू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुल. जो स्टिमुलाई है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्स करता है. व्हेन वी टच लीव्स यानी जब हम किसी पौधे को टच करते हैं तो टच करने में उसके अंदर क्या मूवमेंट या उसके अंदर कई एक्टिविटीज होती हैं. तो लीव्स ऑफ द अगर हम लीव ऑफ छुई हुई जो पौधा है एक छुई हुई का पौधा है जैसे टचमी प्लांट भी कहते हैं यानी जो टचमी प्लांट है तो छुई हुई के प्लांट को अगर हम टच करें तो वो पौधा कैसा है सेंसिटिव है. और जब वो पौधा सेंसिटिव है तो सेंसिटिव होने के बाद जिस प्रकार हम पौधे को टच करते हैं तो टच करने से क्या होता है उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होती है. और प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस की वजह से जो जीव द्रव्य है ठीक वो प्लाज्मोलाइज हो जाता है और जिसके कारण पौधे की पत्तियां हैं वो मुरझा जाती हैं. और मुरझाने के साथ में पौधा कुछ समय पश्चात फिर उसकी पत्तियाँ जैसी की तैसी तुरंत हो जाती हैं. और जो इस फैमिली का पौधा है वो पौधा है मिमोसा फैमिली. सो बिलोंग द फैमिली आर डिवाइडेड फॉर द मिमोसा इज द सब फैमिली ऑफ द लेगुमिनेसी. लेगुमिनेसी की जो फैमिली है ठीक सबसे पहले फैमिली लेगुमिनेसी लेगुमिनेसी फैमिली को हमने क्लासिफाई किया गया यानी थ्री सब फैमिली यानी सब फैमिली पैपिलियोनेटी सेकेंड सब फैमिली सिजेलोगनाइडी सिजेलोगनाइडी एंड थर्ड सब फैमिली
मिमोशी, दैट इज द मिमोशा फैमिली या मिमोसाइडी, मिमो मिमोसाइडी, सो दैट इज द फैमिली मिमोसाइडी, जेलोकोनाइडी, सो लैमिनेसी टू रिलेशन दिस मिमोसाइडी फैमिली, दैट इज द सब फैमिली ऑफ द मिमोसाइडी, मिमोसाइडी फैमिली का जो पौधा है वो क्या है, यानी ये उद्दीपन को रिस्पॉन्सिबल है और ये पौधा जो है वो सेंसिटिव है, और सेंसिटिव के साथ में इस पौधे को जब हम टच करते हैं इसमें, क्योंकि जो मूवमेंट है पौधे के अंदर, एक तो यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, यानी पॉजिटिव ग्रेविटी होती है और एक निगेटिव ग्रेविटी होती है, तो पौधे के अंदर दो प्रकार की ग्रेविटी प्रेजेंट रहती है। जो रूट की अगर हम अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर जो ग्रोथ है वो मुख्यतः सॉइल, यानी सॉइल की तरह ग्रोथ अगर जो हो रही है वो पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेविटी, यानी जो पॉजिटिव ग्रेविटी है यानी गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो सॉइल की तरफ रूट है वो धसती चली जाती है सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर जो रूट जा रही है उसमें क्या चीज प्रेजेंट है, यानी पॉजिटिव ग्रेविटी है, और पौधा जब प्रकाश की तरफ यानी लाइट की तरफ मूव करता है तो वहां पर जो ग्रेविटी है, तो वो पौधा अगर यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, इस जगह पर अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है एपेक्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो अगर ग्रेविटी है तो